कांग्रेस सांसद ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना। फिक्स्ड डिपॉजिट की दरों में लगातार आ रही कमी पर घिरी सरकार। ट्वीट कर बोले राहुल, अपने बैंक खातों में 15 लाख जमा करना भूल जाइए। मुंबई में हनुमान चालीसा के जाप को लेकर गरमाया विवाद। सीएम उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री के बाहर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। सांसद नवनीत राणा ने किया था मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान। सांसद नवनीत राणा के ऐलान के बाद बढ़ी उनकी मुश्किलें। नवनीत राणा के घर के बाहर जारी है शिव सैनिकों का प्रदर्शन। नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा ने लगाया उनके घर पर हमला करने का आरोप। बोले, कुछ हुआ तो उद्धव ठाकरे होंगे जिम्मेदार। राजस्थान में मंदिर टूटने से गरमाई सियासत। अलवर के राजगढ़ पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंपेगा रिपोर्ट। जहांगीरपुरी मामले में अब ईडी की एंट्री। जहांगीरपुरी घटना के मुख्य आरोपी अंसार समेत अन्य के खिलाफ ईडी ने किया केस दर्ज। बिहार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम नीतीश कुमार ने किया रिसीव। वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह में होंगे शामिल। हिमाचल के कांगड़ा में आपकी रैली। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साधा बीजेपी पर निशाना। बोले, बीजेपी की नीयत खराब है। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालते ही बढ़ी राजा बड़िंग की मुश्किलें। नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह पर चंडीगढ़ नगर निगम ने लगाया 29,000 का जुर्माना। डॉक्टर सुमन के बेरी होंगे नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। राजीव कुमार की लेंगे जगह। बीते दिन यानी शुक्रवार को जाने माने अर्थशास्त्री ने दिया था अपने पद से इस्तीफा। देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। देश में आज कोरोना के 2,527 नए मामले आए सामने। वहीं एक्टिव केस हुए 15,000 के पार। रूस यूक्रेन जंग का आज 59वां दिन। अब तक राहत की कोई खबर नहीं। यूक्रेन में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा अपना घर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जंग को लेकर जल्द करेंगे राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। रूस ने प्रतिबंधों के जवाब में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, फेसबुक प्रमुख मार्क जुकरबर्ग की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। रूसी विदेश मंत्रालय ने 29 अमेरिकियों और 61 कनाडाई लोगों की यात्रा पर लगाई रोक। अनिश्चितकाल तक रहेगी लागू। रूस के त्वेर शहर में रक्षा अनुसंधान केंद्र में लगी आग। इमारत में फंसे लोग खिड़कियों से कूदते आए नजर। हादसे में 6 लोगों की गई जान जबकि 27 से ज्यादा लोग हुए घायल। बम धमाकों से फिर दहला अफगानिस्तान। उत्तरी अफगानिस्तान में शुक्रवार को एक मस्जिद और धार्मिक स्कूल में हुए बम धमाकों में कम से कम 33 लोगों की गई जान, 43 लोग हुए घायल। इन धमाकों की अब तक किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीपीसी कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित। चीन में एक बार फिर शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल को लेकर उठाया गया ये कदम। 20वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रतिनिधि के लिए शी जिनपिंग का नाम फाइनल। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपए का जुर्माना। बैंक में ग्राहक सुरक्षा अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों की सीमित देयता पर आरबीआई के नियमों का नहीं किया गया था पालन। ट्रूकॉलर का बड़ा ऐलान। ट्रूकॉलर से नहीं होगी अब कॉल रिकॉर्डिंग। गूगल की नई पॉलिसी के बाद ट्रूकॉलर ने किया ऐलान। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी होंगे आमने सामने। मैच में उमरान और दिनेश कार्तिक के प्रदर्शन पर होगी नजर। देश में फैली नफरत के बीच मनोज वाजपेयी ने सुनाई कविता। कविता का शीर्षक है भगवान और खुदा एक हैं। मनोज की कविता सोशल मीडिया पर वायरल। कविता शांति और सद्भाव का देती है संदेश। आज मनोज वाजपेयी का है 53वां जन्मदिन। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का छत पर क्रिकेट खेलते हुए वीडियो हुआ वायरल। आमिर की क्रिकेट स्किल्स पर फैंस हुए फिदा।